आप कौन सा उस्ताद जी? आदमपुर। आदमपुर ओ यो मड़ेनपुर आदमपुर वाले ने पूछ लिया भाई। आदमपुर तो विधानसभा क्षेत्र आदमपुर त बात करांगे, कितना के कुछ काफिला लेकर आए हैं, कितने लोग हैं, कौन प्रत्याशी है जी? आदमपुर प्रत्याशी तो बीजेपी का डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मैंने जिस पर आस्था ज्यादा हो रही हो वो बता दो। वो बीजेपी जीतेगी इस बार। नहीं बीजेपी तो जीतेगी जी, वह तो ठीक है, लेकिन उसमें भी जो उम्मीदवार सिलेक्ट था हमने करे है नहीं, जनता जी जो करे है नहीं, संजय जवर। तो वो देखो संजय जवर है, किशोर है, संजय जवर भी हो सके। तो मैंने जो संजय जवर थी टिकट मिला है तो जीता तो देंगे। हाँ जीता बीजेपी देखो कमल के फूल कोई भी प्रत्याशी यानी कि किसे थी भी मिल जो टिकट, टिकट तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पास कोई जीत निकले, जीत पक्की निकलेगी। टुआना लड़का था जी, तो टुआना लड़का था उधरों ये जी मड़े कैमरा में शामिल ना खड़े हो जी, तो टुआना लड़का तो कौन किसती जीतोगे? प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बराला जी है, जिन्होंने हमारे पिछली बार एमएलए बने थे, उन्होंने बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए हैं, तो इस बार भी लगभग उनके टक्कर में भी कोई नहीं है। तो उरा कितना साधन लेके आ रहे हैं? इतने कम से कम टुआना लगा था 10,000 आदमी आए हैं। 10,000 आदमी आए? हाँ। तो जो नरेंद्र मोदी जी कह गए हैं कि मैं खास बात कह गए हैं कि सुनी उतना नरेंद्र मोदी जी तो अपने जैसे कह रहे थे किसानों के लिए 21,000 करोड़ का वो फंड आया है किसानों के खाते में, उसके बारे में बोल के गए हैं। अभी पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के जो लैंड मॉर्गेज बैंक और कॉपर्टी सोसाइटी है उनके ब्याज और जुर्माना भी माफी किए, इसलिए किसान काफी उत्साहित है, तो इस करके किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यानी कि फिर किसानों का की हुई है सरकार? हाँ किसानों की हक्की सरकार है, सभी का की है, सभी के वर्ग की हक्की है, सबको सबका साथ सबका विकास है। मैंने कोई कौन सा वर्ग भिवानी से जी, तो भिवानी से हैं जी, बताओ कितना के कुछ साधन लेकर आए हैं, कितने लोग हैं, के रुझान है उड़ा का बारे में? काफी लोग आए हैं जी। कितना साधन लेकर आ रहे हैं जी? साधन 50-60 साधन डॉक्टर भारद्वाज के आए, पूर्व विधायक है वो, बहुत अच्छा, तो उसके नेतृत्व में लेकर आए। हाँ जी। तो टिकट के दावेदारी वही पेश कर रहे हैं? वही पेश कर रहे हैं अभी, तो अभी भी फिलहाल में भी बीजेपी का ही है घनश्याम दास। अच्छा वही बीजेपी का ही है वहाँ पे? हाँ, और ये पूर्व विधायक है, ये भी इसी पार्टी में है अभी। तो पिछले एक साल से देखो देखो जी, हम तो दोनों 50-50 है। अच्छा 50-50 दोनों पे किसी भी मिल सके हैं? मैंने मिलो किसी भी लेकिन भारद्वाज जी जाओगे? आप तो डॉक्टर भारद्वाज ने जो समाज की एक बात और दे का बनेगा वो कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन कमल का फूल ले जा जी ज्यादा डॉक्टर भारद्वाज की अच्छी अच्छी पोजीशन है भिवानी में, कमल का फूल आएगा जी। हां मैं नानू से आ रहा जी।